यहाँ से रिक्शा में बैठ गए त्रिवेणी संगम के लिए, यहाँ से रिक्शा लिया स्टेशन से और लिया चेंज, ठीक है चलते हैं थोड़ा चलते हैं रेलवे स्टेशन। भाई यार ना बताया हाँ तो मैं यहीं सोच रहा हूँ। चलो भाई साहब आ चुके हैं त्रिवेणी घाट पे संगम पे, ये रिक्शा भैया ने उतार दिया, हम चलते हैं। अरे कितना प्यारा मंदिर है, दिखाऊं तुम्हें? देखो देखो कितना प्यारा मंदिर है यार। घर से इतनी दूर मजेदार, अजी देखो कन्हैया जी देख रहे हो, कान्हा जी अपने कितना प्यारा है यार। और देखो जो घाट दिख रहा है, थोड़ा सा घाट तो ऐसे ही स्टार्ट ही हो गया, चल ही रहे हैं। आ चुके हैं अंदर, गणेश जी के मंदिर के रास्ता, गणेश जी को यार, गणेश जी का मंदिर ये गणेश जी लक्की लगे वो चढ़ाए हुए। बड़ा प्यारा है यार कसम से, और पास से नहीं होता, ये सब लकड़ी का है, ये पत्थर का है, अलग ऐसा है, सब लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर से भी दर्शन है जाने के, श्री बालाजी एवं शंकर जी दर्शन का रास्ता पूरा भी ऊपर जाके दिखाऊंगा। और सोने का है सब प्यारा, देखो ये गोल्ड में पता नहीं बड़ा प्यारा लग रहा है कसम से। शेषनाग जी के दर्शन, ये बड़ी प्यारी जगह है यार, प्यारी जगह। अब ऊपर चलते हैं, कैसे ये वीडियो को तुम्हें नहीं समझेगा, जब तुम अपने आगे आंखों से देखोगे ना, ये संगम घाट के पास है त्रिवेणी संगम, देखो कितनी प्यारी जगह। शंकर जी के दर्शन, ये पानी यहां तक चढ़ जाता है मुझे लगता है शायद अभी तो, क्योंकि देखो यहां तक पूरा कच्चा है ना, यहां लगता है कुंभ मेला, किस जिस इसको नहीं पता कुंभ मेला लगता है यहाँ पे, कुंभ मेला वो यही जगह है, उधर पूरा मतलब दोनों साइड गिर जाता है वहां से पूरा। देखियो गेट की चौड़ाई 4 इंच का गेट है लकड़ी का पूरा, ताले देखिए कमाल। चलो जूते पहनते जाते हैं अब घाट पे, है ना घाट की तरफ चलते हैं। गोलगप्पे खाऊंगा, तो मन कर रहा है गोलगप्पे का। त्रिदेव मंदिर चलते हैं घाट के लिए, ये रास्ता वो दिख रहा है, ये बैरिकेटिंग लग रही है, ऐसा रास्ता यहाँ जाऊंगा। आ गए देखो यहाँ किला है, देखो मैंने बताया ना अकबर किला, देखो वो देखो किला वो दिख रहा है, किले के ऊपर है ये, निकलते हैं जल्दी पहले। अरे यार ये धक्का बहुत लगता है ना, हनुमान जी के मंदिर बंद हो गया, ये तो दर्शन होंगे बंद कर दिया भैया ने। चल देखो किला दिखाता हूँ आपको सबको, अरे अच्छा इधर से है लाइन पूरी, भाई बहुत लंबी लाइन लगेगी, भैया हनुमान जी के यहाँ पे आज हमें बहुत जगह जाना है तो बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं हनुमान जी के, है ना। तो देख रहे हो यहाँ बहुत भीड़ है भाई, बहुत कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाएंगे, बहुत लंबी लाइन है अंदर जाके दर्शन। और ये देखो मैंने बोलता अकबर का किला है, देखो दिखाऊंगा आज,
रहा। अब इसमें एंट्री है या नहीं ये नहीं पता है, क्योंकि अगर होती तो शायद से पुरानी चीजें रखी हो। मेरा कैमरा जो है ना थोड़ी देर में फ्लैक्चुएट करने लगेगा। और अभी हम यहाँ दिखाया था ना मैंने तुम्हें ऊपर से यमुना गंगा सरस्वती तीनों नदियों का मेला, इसलिए इसको संगम घाट बोला जाता है ना। तो वहाँ पर घाट तो बोला जाता है, घाट की तरह है नहीं, वहाँ पे कुछ बना हुआ। तो चलो अब चलते हैं, पहले किले के अंदर चलते हैं, फिर जाएंगे सरस्वती घाट। थोड़ा आगे पड़ते, थोड़ा दूर है यहाँ से, ठीक है। और मेरा कैमरा रुकने लगा है दोबारा से। चलो भाई ये हम किले के अंदर आ गए भाई। ओह ये देखो किला है ये, यार पुराने जमाने की। ये एंट्रेंस देखो, से कभी सेना वगैरह निकलती होगी है ना बेटा। हीरो ये क्या था, निकल के आया 40 से निकल के आया और आके ले जीता लग जा। चलो जो मैंने अंदर है शायद उसको देखने नहीं दे रहे हैं, अंदर जाने का है ही नहीं, इतना ही देख सकते हैं। किला इस साइड है, यहाँ पे बन रहा है कुछ ना कुछ, अंदर मंदिर वगैरह बना दे ठीक है, पर ये खुला छोड़ना चाहिए था किला, पता तो चले अंदर क्या है क्या नहीं है, हिस्ट्री क्या थी। देख कुछ भी सही, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, उसको तो रखना चाहिए। ये किला पूरा बंद है अंदर ही रहा पूरा, ये देखो किले की दीवार है ये देखो, ये गेट, ये महल की शायद कोई, ये विंडोज दिख रही है आपको, ये विंडोज, ये कमरा होगा किसी का, भवन होगा, तो वो सब चीज दिखनी चाहिए, पता तो चले। चलो पर कोई नहीं, अब जो भी है, अब तो यहाँ ये बंद है, ये वाला रास्ता बंद है, यहाँ से कभी कोई ना बेटा, यहाँ से कभी कोई फूल निकलती होंगी सेना वगैरह, ये अभी बनाया मुझे भी नहीं पता, हमें तो नहीं पता। देखो पर है तो देखो, मुझे लगा पुराना ही, देखो कितनी ऊंची ऊंची दीवारें देख रहे हो, इतने बड़े बड़े जाले उस टाइम के बने हुए। तो अब बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है मन में कि क्या होगा अंदर क्या नहीं। चलो अब तो क्या ही बोले, काम चल रहा है। तो देखो पूरा वहां पे होगा, कभी सेना खड़ी होती होंगी, कुछ भी था जो भी, हिस्ट्री तो हमेशा जिंदी रहनी चाहिए। देख रहे हो कितनी प्यारी चीज है, देखो ये तो दिखना चाहिए था, अंदर कमरे कैसे हैं, भवन कैसे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, उस समय का क्या वो है, हर इंसान के मन में रहती क्यूरियोसिटी, ये भवन महल यही सब बचा है। देखना उस टाइम पे कभी खड़े होते होंगे यहाँ पे, इलाके की निगरानी होती होगी यहाँ से, ये पास में देखो बिल्कुल नदी के पास में, संगम के पास में बिल्कुल महल। एक बार मैं सोच रहा हूँ महल को वहां से दिखाऊं, नदी में से जाकर के, नाव से जाकर के। ये रहा किला, अब दिखाता हूँ अच्छे से पानी में से कितना दिखता है कितना नहीं। देखो मैं बताऊं, डिस्टर्बिंग छोड़नी चाहिए, ये खुला हुआ रखना चाहिए, पता है क्यों, बड़ी क्यूरियोसिटी है मेरे मन में औरों के में भी होगी कि पुरानी चीजें कैसी होगी। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हुआ उस टाइम पे है ना, कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी है ना, युद्ध होता है कुछ भी होता है, पर मेन बात यह है एक बार देखने के लिए भाई, वहाँ जंग वो बने हुए हैं खिड़की वगैरह, देख के तो प्यारा लग रहा है। चलो मैं चलवाऊं, पक्का बता दियो, करवा दूंगा मैं। ए यमुना, यमुना है गंगा है, यमुना है। अच्छा एक बात, वहाँ पे तीनों नदियों का मेल होता है ना, यमुना गंगा सरस्वती, थोड़ा सा दिखा करके फिर चलते हैं, पता मुझे किला दिखाना है मैंने ये है। अच्छा एक किला बंद क्यों कर रखे, कब से बंद है ये किला, कब से बंद है ये दिखाना, बहुत थोड़ा है वो तो। इसके अंदर कमरा आप देख के आए हो कभी, देखा है आपने, मैं एक बात हूँ गवर्नमेंट को खोलना चाहिए, पता क्यों, पता चलना चाहिए पुराने टाइम में क्या चीजें कैसे कैसे होती थी, है कि नहीं। देखिए विंडो वगैरह देख के बड़ा वैसा लगता है कैसे कमरे होंगे कैसे वो होगा उस टाइम पे, इतने पुराने समय पे।
देखो भाई, यार कितनी प्यारी जगह है भैया। कितने साल से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? 6-7 साल से नाव पे ही। इस नाव को कितने साल हो गए यार? 5 साल हो गए हैं। भाई ये जो वो है ना भैया, तो कौन सा पेड़ है ये? बर्ड ब्रिज। अच्छा, अच्छा कितना पुराना होगा भैया ये? अच्छा भैया ये जो दिख रहा है किले के अंदर जो है, ये राम जी ने जो है दशरथ जी का पिंडदान किया था भैया बता रहे हैं। और ये एक किले की दीवारें पूरी, यहाँ से पूरा दिख रहे हैं आपको। और ये अब भैया आप घुमा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं भैया? हम संगम जा रहे हैं भैया। ओ ये सीढ़ी वगैरह दिख रही है, ये रही सीढ़ियाँ। यहाँ पे बता रहे हैं भैया जोधा बाई जो है ना, वो यहाँ से आती थी यमुना में स्नान करने के लिए, तो उनके लिए बनाया गया था ना ये रास्ता, उनके लिए बनाया गया था। और भैया और कुछ चीजें बताओ यहाँ की पुरानी। भैया बताएंगे, भैया मिले हमें बढ़िया। अच्छा इसका मोती में जल लगाने से शनि यमराज का प्रभाव कम होता है। अच्छा ठीक है, आपका दिल्ली आगरा मथुरा वृंदावन की जाती है। अच्छा इस साइड से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से गंगा मैया आती है। उत्तर कौन सी साइड है? उत्तर सामने इस साइड से आती है गंगा मैया जी। गंगा मैया उत्तराखंड हरिद्वार ऋषिकेश कानपुर के। अच्छा गंगा मैया आता है, झंडे दिखता ना। हाँ 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 वही जो मिलन होता है, ऐसे मिलकर आपका काशी बनारस बिहार। अच्छा उधर कुछ आते हैं सब जाके खत्म होता है। नाम तीन चलेगा भैया, नाम तीन चलता है धारा आपका जो दिखता है। अच्छा गंगा का यमुना का सरस्वती मैया जो होती है ना। हाँ गुप्त नदी होती है, वो नहीं दिखती, वो ज्ञान की देवी होती है। अच्छा वो दिखती नहीं है? वो नहीं दिखती है, जैसे हम आप लोग बोलते हैं आवाज सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। हाँ वैसे सरस्वती माता। अच्छा हाँ जैसे आवाज को हम सुन सकते देख नहीं सकते। अब उन्हीं सरस्वती माता का नाम से यहाँ जैसे नहाने घूमने वाले आते हैं ना भैया। हाँ पहले खाली चरणी दल नहीं देती। अच्छा पहले इधर आपका गंगा माँ का भेंट होता है, फिर स्नान होता है। अच्छा आपका लगता है नारियल फूल अच्छा मोली। अच्छा अपना भेंट करता है, स्नान करता है, चला आता कोई जो जो इसके लिए। अच्छा मानो तो पानी नहीं गंगा माँ। हाँ मानो तो स्नान करेंगे? नहीं स्नान नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, अपना फल फूल डाल के हाथ में धो के जल का मार्जन कर लेगा। अच्छा अच्छा ठीक है फिर ठीक है। आपका 100 रुपये मिलता है, उसमें 3 नारियल फूल अच्छा मोली पूरा। अच्छा अच्छा सरस्वती मैया को फल फूल चढ़ाने आए हैं। और देखो वो नहा रहे हैं यार वहाँ पर, मतलब पानी कम है अभी बहुत। अच्छा यहाँ पे ही है भैया, ये तो बड़ा हिला रही है। हाँ हाँ ठीक है तो ले ले भैया यहीं से। भाई आ चुके हैं, पता है मूड ऑफ हो गया, भगवान मुझसे गाली निकाल रही है। पता है ऐसे तीर्थ स्थल को धंधे का स्थल बना दिया है। मैं ये बताता हूँ करो पर उतना करो इतना जायज है। मैं वहां गया हूँ भैंस नारियल के 100 रुपए नारियल, पता है कौन से वो वही नदी में सब उठाए हुए नारियल रखे हुए हैं उनके 100 रुपए, 3 नारियल के 100 रुपए ले रहे हैं, वही नदी में फेंकवाते हैं उनके उठा के रख लेंगे। वो 100 रुपए कब आए बहन के लोड़े ने? पंडित जी आए, आया पंडित बोलो बहन गुस्सा आ रहा है भगवान। अरे यार तब एक बात तो दान दक्षिणा का कब लगता है पुण्य? जब देने वाला खुश हो। अब मैं कह रहा हूँ नहीं है भैया, नहीं देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, नहीं जा नहीं सकते। 450 रुपये का लगा दे, मतलब क्या चीज को पुण्य पाएगा जी की लस रहा है। सब कहते हैं दान, और दान भी तभी दिया जाता है जब मन का दान हो, मन से दिया जाता है दान, जबरदस्ती मांगने आता है तो मांगना हो रहा है। तीर्थ स्थल को धन्य स्थल बना रखा है लोगों ने, क्या ही बोले। आप कान आपसे खुला रखना है, कभी भी कोई कुछ भी बोले ना ना अपने हिसाब से फल चढ़ाना है फूल चढ़ाना है, जरूरत नहीं बहन जो किसी की सुनने की, जो सच्चे मन से जाओगे भगवान अपने आप सुन लेगा। साला खाने वाले बन गए आज के टाइम में, पंडित पंडित की तरह नहीं रहे हैं, सब खाने वाले आ गए हैं नए नए अब मार्केट में। चलो भैया चल रहा हूँ आगे, ठीक है ना, जा रहा हूँ आनंद भवन के लिए, ठीक है ना, निकल लो यहाँ से।
फोन में आ गया हूँ मेरा, आप पढ़ लेना आनंद भवन, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू घर है उनका।